नमस्ते किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है लर्न इंडिया विद पीके चैनल में। और मैं हूं आपका अपना दोस्त पुष्पेंद्र कुमार, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सुपर स्टैंडर्ड 985 कंबाइन हार्वेस्टर। ये जो आप देख रहे हैं ये सुपर स्टैंडर्ड 985 सेल्फ कंबाइन हार्वेस्टर है, और इसका जो ड्रम बॉडी साइज है वो 51 इंची है, और ये इसका फीडर हेड। इसके फीडर हेड में SS की सीट्स का यूज़ किया गया है, जिससे इसकी घिसाई काफ़ी कम होती है और इससे इसकी लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। और ये इसका पावर स्टीयरिंग सिस्टम, इस तरह ये इसका पावर स्टीयरिंग है, और ये इसकी फीडर हेड फुल्ली। इसका जो गियर बॉक्स है वो इसमें हैवी ड्यूटी गियर बॉक्स दिया गया है, जिसमें 4 गियर मिलते हैं, 5 गियर ऑप्शनल हैं। और ये इसका ब्रेक सिस्टम, जो कि ड्रम ब्रेक और इसमें डिस्क ब्रेक भी ऑप्शन दिया गया है। और ये इसकी सीढ़ी है जो कि एडजस्टेबल है, और इसके टायर जो फ्रंट वाले टायर हैं वो 18-4-30 के दिए गए हैं। और इसका जो कलर है वो ग्रीन कलर में है। पावर स्ट्रीम 985, और ये इसका आउटर पाइप। इस सेल्फ कंबाइन हार्वेस्टर में सभी पॉइंट्स पर डबल नट यूज़ किए गए हैं, जिसमें ऊपर लॉक नट यूज़ किया गया है, और इसमें जो ब्रेकेट यूज़ किए हैं बुश वाले, ये सभी सेम साइज़ के हैं, जिससे आप इनको इजीली चेंज कर सकते हैं। और ये इसका बैटरी बॉक्स है, जिसमें 2 बैटरियां यूज़ की गई हैं। और ये इसका पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, इस सेल्फ कंबाइन में सेफ्टी का ख़ास ध्यान रखा गया है, और इसमें जो पुली है उस पर बेल्ट के ऊपर कवर प्रोवाइड किया गया है सेफ्टी के लिए। और ये इसका टूल बॉक्स, क्योंकि काफ़ी बड़ा टूल बॉक्स है, आप इसमें कोई भी टूल रख सकते हैं। सुपर स्टैंडर्ड मैग्नम सीरीज हार्वेस्टर। और ये इसका रेयर एक्सल है, इसके रेयर एक्सल में जो टायर है वो 9 और 16 के दिए गए हैं। और इसका जो रेयर एक्सल का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हैवी ड्यूटी डिज़ाइन है। और ये पावर स्टीयरिंग है, इसमें 5 स्टोवोकर दिए गए हैं, जो कि साइज में काफ़ी बड़े हैं। और ये इसके सीप्स, और ये इसका कटरवार जो कि 14 फुटी कटरवार है। और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो ग्रीन और वाइट है। और ये इसका पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, और इसकी जो रील है वो हाइड्रोलिक एडजस्टेबल रील दी गई है, जिसे ड्राइवर
हार्वेस्टर की सीट पर बैठे ही रेल की हाइट को ज़रूरत के अनुसार एडजस्ट कर सकता है। इस कटरवार के ऑगर में कुप्पी और रॉड दोनों दी गई हैं। इन केस यदि रॉड नहीं खुलती तो ऐसे में कुप्पी काम करती है और इसका जो ट्रेलर के टायर का साइज है वो 9 और 16 के दिए गए हैं। और ये इसके हाइड्रोलिक सिलेंडर जो कि रील की हाइट को एडजस्ट करते हैं। और ये इसकी रील्स जो कि 5 पाइप वाली रील है, इसमें 5 पाइप वाली रील दी गई है। और ये इसका ऑगर और ये इसकी टेंस। इस कटरवार की जो नीचे वाली सीट है, बॉटम वाली सीट, वो एसएस की दी गई है जिससे इसकी लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। ये वाली सीट ये एसएस की है। और ये इसकी फिंगर्स और ब्लेड्स। इसके नीचे एक बड़ा सा एक्स्ट्रा बॉक्स दिया गया है जिसमें आप कोई भी टूल या किसी तरह का मटेरियल रख सकते हैं। और इसका ये जो कप दिया गया है पीछे वाले टायर में, वो स्टेनलेस स्टील का है। और ये इसका डीजल टैंक जो कि काफ़ी बड़ा डीजल टैंक है। और इसमें एक इंडिकेटर भी दिया गया है जिससे आप तेल का लेवल चेक कर सकते हैं। और ये इसकी सीढ़ी जो कि फोल्डिंग सीढ़ी है। और ये इसका एयर टैंक। इस हार्वेस्टर में सेफ्टी के लिए नीचे एक फ्रेम दिया गया है जो कि पूरे हार्वेस्टर पर सेफ्टी के लिए है। और इसके एलिवेटर्स इस तरह, इनमें एसएस का यूज़ किया गया है। और ये जॉइंट वाले एलिवेटर्स हैं, इसको आप इजीली खोल सकते हैं और आप अंदर की सीट्स को चेंज कर सकते हैं। और ये इसका साइड व्यू। और ये इसकी लाइट्स। और इसमें ये स्पीड चेंजर दिया गया है जिससे आप सीट पर बैठे ही ड्रम की स्पीड को ज़रूरत के अनुसार चेंज कर सकते हैं।
और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी हाई है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और ये इसका फ्रंट व्यू सुपर स्टैंडर्ड 985। और इसमें एक ये ब्लोअर दिया गया है जो कि ड्राइवर को धूल से प्रोटेक्ट करने के लिए है। हार्वेस्टर पर चलकर देखते हैं। ये इसका स्टीयरिंग और ये इसकी एडजस्टेबल सीट है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं जरूरत के अनुसार। और ये इसका कंट्रोल पैनल जिसे हार्वेस्ट को ऑपरेट करते हैं। और ये इस पर एक सीट दी गई जो कि हेल्पर के लिए है। और इसमें चार्जिंग के लिए एक बोर्ड दिया गया है जिससे आप अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। और ये इसका रूफ, और इस पर ये एक बॉक्स दिया गया है जिसपे आप कोई भी छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। और ये वाटर कूलर के लिए एक फ्रेम दिया गया है, इसमें आप पानी का वाटर कूलर भरकर रख सकते हैं। और ये इसके कंट्रोल लीवर्स, और ये इसका ग्रेन टैंक, इसका साइज काफी बड़ा है। और इस पर एक साइड में एलईडी लाइट दी गई है जो कि नाइट विजन में काफी हेल्प करती है। और रियर साइड में भी एक एलईडी लाइट दी गई है जो कि इंजन ब्लॉक पर आप देख सकते हैं। और एक इस पे ये प्लेटफॉर्म है जिस पर आप चढ़ सकते हैं। इसमें जो इंजन दिया गया है वो अशोक लेलैंड का 101 HP इंजन है जो कि 6 सिलेंडर इंजन दिया गया है। और इसमें सुपर चार्जर भी है जो कि इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। और ये इसका पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, और ये इसका बड़ा सा रेडिएटर जो कि कूलिंग के लिए है और इससे काफ़ी अच्छी कूलिंग मिलती है। दोस्तों, सुपर स्टैंडर्ड कंबाइन से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इनके मोबाइल नंबर पर कॉल करें। इनका मोबाइल नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो? यदि पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। Thanks for watching.